लेट कंसीडर क्वेश्चन नंबर फोर ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन पेज नंबर 25 चैप्टर नंबर सेकंड. व्हाई डाइल्यूटिंग एन एसिड, व्हाई इट इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड. तो क्वेश्चन कह रहा है कि हम डाइल्यूट कर रहे हैं एसिड को. डाइल्यूट का मतलब तो समझ में आ गया ना कि हम एसिड में पानी मिला रहे हैं, ठीक है, डाइल्यूट कर रहे हैं. तो ये कहा जाता है, ये रिकमेंडेड किया जाता है, ये बोला जाता है कि आपको एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, कि एसिड को वाटर में मिलाइए. मतलब समझिए पहले इसका. मान लो ये इसके अंदर वाटर है, इसके अंदर क्या है, वाटर. तो इसके अंदर आप एसिड की ड्रॉप डाल सकते हो, यानी एसिड को वाटर में मिला सकते हो. ये तो ओके है, राइट है. लेकिन अगर आप इसका अपोजिट करते हैं, अपोजिट का मतलब इसमें एसिड है और एसिड में आप ड्रॉप डाल रहे हो किसकी, वाटर की, तो ये ठीक नहीं है भाई, इट इज नॉट करेक्ट. क्यों, मिला तो हम दोनों ही चीजें रहे हैं, एसिड वाटर में मिला रहे हैं या वाटर को एसिड में मिला रहे हैं. तो आप इस ध्यान से देखिए इस फिगर में अंतर क्या है, क्या अंतर दिखाई दे रहा है आपको दोनों में. यहां पे सीधी से दिखाई दे रहे हैं, एसिड की मैं एक ड्रॉप डाल रहा हूं भाई, ड्रॉप ड्रॉप करके मिलाते हैं. तो यहां एसिड की सिर्फ एक ड्रॉप है, वाटर बहुत एक्सेस में है. यहां पे उल्टा है, एसिड बहुत ज्यादा है और वाटर बहुत थोड़ा सा है. और हमें मालूम है कि अगर एसिड हमारी स्किन पे गिर गया तो ये हमारी स्किन को बर्न कर देगा, डेंजरस बर्न जनरेट हो जाएंगे. तो हम कोशिश करेंगे कि जो एसिड हो, अगर एसिड जो रिएक्शन करे वो बहुत धीमे धीमे करे. देखो होता क्या है, जैसे ही मैं एसिड डालते हैं एसिड तेजी से रिएक्शन करते हैं, हीट भी प्रोड्यूस करता है, तेजी से रिएक्शन करता है. तो इसलिए हम कहेंगे कि वाटर में अगर एसिड डालोगे तो एसिड की केवल एक बूंद है, वाटर बहुत ज्यादा है. अगर इस केस में रिएक्शन होगी वो थोड़ी स्लो होगी क्योंकि वाटर ज्यादा एसिड कम है, लेकिन यहां पर रिएक्शन बहुत तेजी से होगी. क्यों, रिएक्शन कौन करता है, एसिड रिएक्शन करता है वाटर के साथ, वाटर नहीं कर रहा है एसिड कर रहा है, ध्यान देना यहां पर. रिएक्शन कौन कर रहा है, एसिड. और एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी रिएक्शन बहुत तेजी से होगा. और रिएक्शन जब होगी तो हो सकता है एक दो बूंद किसकी, अब बूंद किसकी उछलेगी, अब भाई ऑब्वियस सी बात है बूंद उसी की उछल के गिरेगी जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा. तो इस केस में हो सकता है एसिड की एक आध बूंद उछलकर आपकी स्किन पे गिर जाए, स्किन को जला दे. इसमें क्या होगा, इसमें किसकी बूंद उछलेगी, वाटर की. भाई एसिड डाल रहे हैं ना, वाटर ज्यादातर, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा, तो अगर इसमें वाटर की बूंद गिरेगी भी तो आपको ज्यादा हार्मफुल डैमेज नहीं होगा. अगर उसमें थोड़ा बहुत एसिड भी आ गया साथ में तो ज्यादा हार्मफुल डैमेज नहीं होगा. तो इसमें एसिड बहुत ज्यादा है तो इसमें बहुत ज्यादा एसिड गिर जाएगा और आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी क्योंकि यहां पे एसिड ज्यादा क्वांटिटी में. तो आंसर में क्या लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू एन एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक. जो प्रोसेस है एसिड को वाटर में एड करने की वो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक है. एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि जब हम एसिड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो वो हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है. रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस होती है, हीट भी प्रोड्यूस होती है जब वाटर से मिक्स करते हैं, तो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक है. इफ इट इज नॉट डन इन प्रॉपर वे, अगर इसे सही से नहीं किया, प्रॉपर तरीके से नहीं किया, देन मे बी मिक्सचर स्प्लैश्ड आउट एंड कॉज सीरियस बर्न. तो हो सकता है कि जो मिक्सचर है वो स्प्लैश्ड आउट हो जाए, यानी उसका एक टुकड़ा, एक थोड़ा सा हिस्सा गिर के बाहर गिर जाए, आपकी स्किन पे गिर जाए, ठीक है. और जो कि क्या जनरेट कर सकता है, सीरियस बर्न, बहुत खतरनाक बर्न प्रोड्यूस कर सकता. अब इसमें पानी की छोटी सी, इसमें हम जो एसिड है उसकी बहुत छोटी सी बूंद डाल रहे हैं, तो इससे अगर कुछ उछलेगा तो उसमें ज्यादातर वाटर होगा, तो वाटर से ज्यादा बर्न नहीं होगी. अगर इसमें डाला और इसमें एसिड उछल गया तो एसिड से तो बहुत खतरनाक बर्न हो गया ना, क्योंकि एसिड बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है. तो इसलिए हम देयरफॉर वी रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर केयरफुली. इसलिए हमें एसिड को वाटर में मिलाना चाहिए, वाटर को एसिड में मिक्स नहीं करना चाहिए. आई होप इस वीडियो को देख के आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, नीचे लाइक की उसे भी दबा दीजिएगा. इसके नीचे आप देखेंगे शेयर के बटन्स हैं, फेसबुक पे शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे, हाइक पे, जहां भी आप कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा. और हमारे अदर वीडियोस को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.ncerthelp.com. आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए और फ्री में एजुकेशन का लुत्फ उठाते रहिए. इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय.